सो हेलो एवरीवन। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कसडोल से करीबन 3 किलोमीटर दूरी पे हम लोग आ चुके हैं। उस जगह का नाम है सिद्ध खोल खोल है कि लवर पॉइंट है। यहाँ पर जितने भी हमारे लैला और मजनू लोग आते हैं, सब आते हैं इधर। बहुत अच्छा है, हम लोग आज घूमने के लिए आए हैं। हमारे भाई साहब गिरजा शंकर है, बहुत ही कहना चाहिए दमदार लीडर हैं, और कहना चाहिए बहुत बहुत पुराना लीडर है हमारा। तो इनका फैमिली का समारोह था, कार्यक्रम था, तो उसमें आए हैं। तो आज भाई कार्यक्रम में आए थे, तो आज पूरा हम लोग कसडोल, पूरा बलौदा बाजार जिला पड़ता ना ये, बलौदा बाजार में है। और देख सकते हैं कुंज बिहारी भी एकदम बहुत बढ़िया लग रहे हैं। और इसके लिए तो खास तौर पे गिरजा को हम बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे कि इतना अच्छा हमको यहाँ पे बुलाने का और लेके आया। और बहुत सारे इवेंट अभी बचे हुए हैं, और भी वीडियो अपन बनाएंगे, उसको बिल्कुल आपको दिखाएंगे, है ना। तो है ना, तो आप लोग भी देख लो, जगह है छत्तीसगढ़ में बहुत सारे ऐसे जगह जहाँ पे आप घूम सकते हो। आप भी आइए और सब परिवार आइए, पूरा परिवार आइए और आनंद लीजिए। मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा इधर का व्यू कि कितने शानदार जबरदस्त जगह है। आपको यहाँ से अगर देखेंगे तो पूरा वाह पूरा ये देख सकते हम लोग यहाँ पर है। अच्छा, ये उड़ीसा बॉर्डर है, वो दिख रहे पहाड़, हम लोग उड़ीसा बॉर्डर पे हैं। ये उड़ीसा, ये दिख रहा पहाड़ दिख रहा है, वो उड़ीसा बॉर्डर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग उस दूरी पे ही हैं। और यहाँ पर झरना जो है, यहाँ पर बरसात के दिन में बहुत बड़े झरना यहाँ पर कहना चाहिए नीचे गिरता है, तो और चार चांद लगता है। बहुत ही सुकून जगह है और वातावरण इतने अच्छे हैं, हवा भी बहुत ही अच्छा है, देख सकते हैं। हेलो एवरीवन, और आप देख सकते हैं हम लोग पहुंच गए हैं गिरौदपुरी धाम। और ये देख रहे हैं बहुत बड़ा टावर है, बाबा का दुआ है तभी हुआ है। तो अभी हम लोग दिखाएंगे आपको आगे चल के, देखिए ये बहुत दूर नज़ारा, दूर जबरदस्त लग रहा है, दूर से नज़ारा है और रोड का नज़ारा भी एकदम शानदार जबरदस्त तरीके से आप देख सकते हैं। ये रोड है और इधर इतना पहाड़ लोगों के मन्नतें देखिए, लोग आज कैसे ये पूरा ये करते हुए बाबा के दर्शन में जाते हैं। लोग गुल्फी खा रहे हैं, यहाँ ठंडी में, यहाँ ठंडी में गुल्फी। एवरीवन, हम लोग पहुंच गए हैं जय स्तंभ खोलने का समय सुबह 10 बजे से लेके 5 बजे तक यहाँ पास होता है, और यहाँ पास बाबा का दर्शन करने का मौका मिलेगा। ये गेट है और ये गेट से हम लोग जा रहे हैं, और देख सकते हैं यहाँ से आपको ऑलरेडी दिख रहा है। हाँ, हेलो एवरीवन, आखिरकार हम लोग कहाँ पहुँच गए, गिरौदपुरी धाम पहुँच गए हैं। और आपको दिख रहा होगा, आपको मैं नज़ारा जरूर मैं दिखाऊंगा, देख सकते हैं ये है गिरौदपुरी धाम। ये इतने बड़े वो देखो बाबा का दुआ है तभी तो हुआ है। तो बाबा, अरे बाबा गुरु घासीदास बाबा, तो देख सकते हैं बाबा इस जगह पे इतने बड़ा विशाल, सोच नहीं सकते। आपको कैमरे में ऐसे दिख रहा है, जब आप आके जब देखेंगे तब समझ में आ गई ये इतना बड़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं पूरे इतने सारे लोग, कल बहुत ही ज्यादा भीड़ था यहाँ पर, बोल रहे थे बहुत ही ज्यादा कहना चाहिए मेला जैसा लगा हुआ था। आज हम लोग को थोड़ा सा फ्री है, और देख सकते हैं अभी जयंती मनाया, और ऐसा लग रहा है बाप रे बाप कैसे बनाया होगा इसको। हाँ,
हेलो एवरीवन, आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं। कहां पहुंच चुके हैं? गिरौदपुरी धाम। और एक्चुअली अंदर में जाना अलाउड नहीं है बोला जा रहा है, भैया लोग बता रहे हैं, तो हम लोग यहीं से बाहर से ही दर्शन करेंगे। और बाहर में ही हम लोग ले चुके हैं नारियल, नारियल को चढ़ाएंगे और जो भी मन्नत है वो पूरा 100% होने वाला है, क्योंकि बोला जाता है बाबा का दुआ है तभी तो हुआ है। क्या बोलना चाहते हैं बोलिए, क्या बोले भाई? हाँ, बाबा का दुआ इसीलिए आगमन हुआ है सभी का है। अच्छा, कल जाएंगे, आज जाएंगे, सब आज जाएंगे, चल। लेकिन जब उसकी कृपा होती है तभी काम सीधा होता है। ओके ओके ओके, देख सकते हैं। तो यहाँ के बारे में लोकली से हम लोग पूछेंगे कि यहाँ पर क्या क्या, कैसे बना, किस टाइप का बना, तो आप वीडियो में आप देखते रहिए, लगे रहेंगे। ये देख सकते हैं इनका कब बना, कैसे बना, ये पूरा जैद खाम लोग, ये धरोहर है पूरा, हर चीज़ आपको दिखेगा। जो जिला बलौदा बाजार भाटा पारा एरिया में ये है, और हम लोग भी आज तक आए नहीं थे, मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पास में आया हूँ। और देख सकते हैं सो हेलो एवरीवन, और ऑलरेडी हम लोग बाबा का दर्शन कर चुके हैं। क्या बोलते हैं इसको, गिरौदपुरी धाम है ना। जय सतनाम, बाबा का दुआ है तभी तो हुआ है। जय सतनाम, जय सतनाम। कुछ बोलना चाहेंगे? देखिए बहुत जबरदस्त जगह है, आप लोग लाइफ में जैसे हम लोग कभी कुतुब मीनार नहीं जा पाते, कम से कम छत्तीसगढ़ वाले हैं, छत्तीसगढ़ में बना हुआ, तो आप सभी को आना चाहिए। और एक बार आके ये जो कायनामा जो बना है आपको, एक बार दर्शन पक्का करना चाहिए। तो यू आर सो वेलकम एंड कंप्लीट। चंदू जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जैसे मैं छत्तीसगढ़ी में बोल हूँ, काबर हवन छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी धाम में बाबा के जो जन्म स्थल है, उस जगह में आज इंसान हाँ देखे हो, दिल्ली मुंबई कलकत्ता गोवा जाते, बड़े बड़े बिल्डिंग ला देखे और कुतुब मीनार ताजमहल ला देखे, पर आज लेकिन हमारे सरकार के बदौलत और हमारे बाबा के बदौलत आज हमारे छत्तीसगढ़ के गिरौदपुरी धाम में इतना बड़े छाता पहाड़ बोलो या जत खाम बोलो, जो आज एक बहुत बड़े चमत्कार भी बोल सकते हैं और बहुत बड़े एक मूरत भी बोल सकते हैं, जो हर जगह नहीं बना पाए, आज हमारे छत्तीसगढ़ सरकार के माध्यम से और बाबा के माध्यम से बन पाए। तो हम छत्तीसगढ़ के जम्मू संगवारी संगी भाई बन लग जरूर की वो कि बाहर जो हम घूमे ला यात्रा करे जाथन, अगर साथ साथ हमला पहले अपन छत्तीसगढ़ ला ठीक से घूमना है और बाबा के जरूर दर्शन करना है। जैसे आज हम ना जिंदगी में पहली बार आज 20-25 साल की उम्र के बाद में आज पहली बार जगह शांति के अनुभूति भी हुआ थे, अनुभव भी हुआ थे, काबर लगते कि वाकई में एक खूबसूरत जगह है, एकदम सुंदर जगह है छत्तीसगढ़ की गिरौदपुरी धाम। आप मन जरूर आ, यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस गाना है जो 18 दिसंबर में गाना गाया था है, और हम लोग सभी लोग हैं एक साथ वो गाना गाएंगे। चलिए 1 2 3 ते भरत रही बे बाबा झुगुर झुगुर दिया तस भरत रही बे, ते भरत रही बे बाबे झुगुर झुगुर दिया कस भरत रही बे। ओके थैंक यू। छत्तीसगढ़ में गिरौदपुरी धाम में जाना, यहाँ का बहुत बड़ा मार्केट है, ये पूरा मार्केट है, लोग कर रहे हैं मार्केटिंग और हम लोग भी यहाँ पर करने वाले हैं मार्केटिंग। ये बाबा जी का मेन मंदिर है जिनके अंदर जाया जाते हैं बोलते हैं वन। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं परम पूज्य घासीदास बाबा, जो यहां पर कहना चाहिए इनका जो मेन मंदिर है। अभी हम लोग जय स्तंभ को देखे हैं, जय धाम को देखे हैं, यहाँ का जो मेन मंदिर है ये आप इसको देखिए। धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। जय बाबा, देख सकते हैं Thank you.
जुगुड़ 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 जुगुड़। हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं और गिरौदपुरी में जय स्तंभ के बारे में कुछ हमारे एक सर हैं गेंदराम पटेल, ये ऑलरेडी आपको बताएंगे इनके ऐतिहासिक के बारे में, कैसे हुआ, कैसे बना और क्यों बना, कैसे बना जरूर बताएंगे सर। अब इसका शिलान्यास अजीत जोगी ने किया था। अच्छा अच्छा। और हमारे छत्तीसगढ़ में कोई भी ज्यादा कुतुब मीनार से ऊंचा नहीं बने हैं। अच्छा अच्छा। तो उनके मन में जो भी रहा होगा, छत्तीसगढ़ वाले दिल्ली जाते हैं कुतुब मीनार देखने, तो क्या उन्होंने उससे ऊंचा जग हम बना दिए जाए, इस टाइप से सोच में जो भी किया होगा, तो उनकी जो ने उनका शिलान्यास किया था जी। उनकी सरकार नहीं आई, रमन सिंह की सरकार बनी जी। तो उसमें एक कुतुब मीनार से ऊंचा जग हम बनाया 77 मीटर। अच्छा 77 मीटर, 77 मीटर का करीबन दूरी। बहत्तर मीटर। तो ये 6 मीटर जो है वो एक्स्ट्रा बनाया गया है क्या, मतलब हमारे छत्तीसगढ़ लोगों के लिए है यही जयत खाम ही कुतुब मीनार से कम नहीं है। और सही हाँ, कहा जाता है कि बाबा घासीदास यही उनका जन्म यही हुआ था, ऐसा बोला जाता है। जन्म हुआ है गांव में गिरौदपुरी में। अच्छा अच्छा। गिरौदपुरी धाम में वहाँ भी मंदिर बन रहा है, अभी बना नहीं है। अच्छा अच्छा। हो गया है शुरुआत। अच्छा। और ये जो ये तपोन स्थल है। अच्छा। ये जंगल समझिए अब यहाँ है ना। अच्छा अच्छा, ये जंगल है उससे। अच्छा। 3-4 फरलांग में जो मंदिर है यही तप किया है। अच्छा, तप मतलब तपस्या किया था, मतलब क्या किया, ज्ञान प्राप्त हुआ। अच्छा। धौरा और तेंदु के नीचे। अच्छा अच्छा। यहाँ अमृत कुंड है और चरण कुंड है, दो कुंड है। अच्छा, अमृत कुंड और चरण कुंड। यहाँ से कितना दूर है यहाँ से? अच्छा, चरण कुंड नजदीक में है 2-3 फरलांग में। अच्छा। उसके बाद वो लगभग 1 किलोमीटर में अमृत कुंड। अच्छा अच्छा अच्छा। का जल ले जाते हैं लोग। अच्छा अच्छा। बढ़िया विश्वास से। हाँ हाँ। वो भी जल पवित्र है, वो खराब नहीं होता। अच्छा अच्छा, मतलब जैसे हम गंगा जल को, गंगा जल जैसे कि खराब नहीं होता है ना, तो वैसे ये भी मतलब ये जल खराब नहीं होता। अच्छा, लोग ले जाते हैं। हाँ जी। बहुत जने नारियल चढ़ा करके कुंड में। हाँ। जल को सिंचाई भी करते हैं खेत में। हाँ हाँ। अब विश्वास ऊपर है। हाँ हाँ। तो वो लोग मैंने सिंचाई करते हैं तो कीट वगैरह नहीं होता। अच्छा अच्छा, बताया और उपयोग करते हैं। अच्छा बहुत अच्छा। जने अब सभी तो अलग बात है। जी 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 जी, इस टाइप है सर। ओके ओके, तो आपने देखे जाने। 18 दिसंबर को उनका जन्मदिन है। हाँ। गांव में जयंती चल रहा है। हाँ हाँ। 18, 19, 20 कल तक और चलेगा। अच्छा अच्छा, तो वहाँ जयंती हमको मिल सकता है वहाँ पर, अगर हम जाएंगे तो वहाँ पूरा। अच्छा, जन्म लिया है, मंदिर बन रहा है वहाँ। अच्छा अच्छा, तो वहाँ पर कार्यक्रम हो रहा है अभी सर। अच्छा अच्छा अच्छा, वहाँ जा सकते हैं। ओके, और बताएंगे वहाँ। ओके ओके ओके, यहाँ पर और क्या है, छाता पहाड़ कह के सुनने में आए हैं कि यहाँ पर छाता पहाड़ 6 किलोमीटर दूर है। तो तप किया है बाबा जी। अच्छा, बहुत बड़ा चट्टान है। अच्छा अच्छा, नीचे बैठ कर किया है। जी जी जी, तो वहाँ भी श्रद्धालु लोग जाते हैं। अच्छा। और आगे पचकुंडी है। पचकुंडी तो कुंड टाइप है, उसमें जल निकल रहा है पानी। अच्छा, ऑटोमेटिक सूखता नहीं है। अच्छा, हाँ, पहाड़ से। अच्छा, तो नहीं सूखता कभी। ओके ओके। और नीचे नीचे कुछ भी गीला वीला नहीं है, वो ऐसी रिसन हो रहा है, हमेशा पानी रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पहाड़ के ऊपर में पानी
मतलब हम लोग, मतलब हम लोग छत्तीसगढ़ी में उगर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो चलो चलो, वही तो है सर। एक जगह जो बच्चिया है उसको जिला है बाबा जी ने। अच्छा, हमारे बच्चिया को। अच्छा, यहाँ से जब गए ना ज्ञान प्राप्त करके, बच्चिया पूरा होने के बाद फिर वो सफरा को भी खत्म हो गई थी उनकी बाई, उनको भी जिलाए बताते हैं। अच्छा अच्छा, बच्चे जीवन दान है, वहाँ मंदिर भी है। अच्छा, वहाँ भी श्रद्धालु लोग जाते हैं। ओके ओके, चरण चिन्ह मंदिर है। अच्छा अच्छा, वहाँ भी जाते हैं। शेर चिन्ह है, शेर का पंजा परीक्षा लिया इस टाइप से। हाँ हाँ हाँ, तो ये बात है। और जन्म स्थल जाएंगे तो और लोग बताएंगे वहाँ। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, आपका बहुत ही अच्छा जानकारी लगा हम लोगों को। ओके, थैंक यू सो मच, जय सतनाम। इसमें सात दरवाजा सात से बना है। अच्छा, सात सपोर्ट है इनका जैत खाम का। अच्छा, सात दरवाजा है। अच्छा, है ना भाई, 70 मीटर है। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक। अभी कोरोना काल से बंद है सर। अच्छा अच्छा अच्छा, कोरोना पहले मतलब अंदर जाने देते थे, जब कोविड आया तो उसके बाद जाना मतलब बंद कर दिया, ऐसा है क्या? ओके, थैंक यू। अब इसके बारे में भाई, अब वो लोग प्रयत्न करेंगे, कुछ बोलेंगे क्या है, तब खुलेगी। ओके, शासन की तरफ से पूरा गवर्नमेंट। ओके ओके।